हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज आप देख रहे हैं AKS ऑटोमेशन की वोल्सी प्रो कैश काउंटिंग मशीन। यहाँ पीछे पावर स्विच दिया होता है, जिससे आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। ठीक, ये मशीन है आपकी, काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है। सबसे पहले मैं मशीन को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये देखेंगे आप, ये मशीन आपकी सेट हो गई है। तो इस मशीन में क्या है, आपको देखिए MG, QV, IR और MT डिटेक्शन मिलता है। साथ में फंक्शन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि आपको यहाँ से MG, UV, MT के बटन भी मिलते हैं, जिनको आप बंद कर सकते हैं जब आपको CNT मोड यूज करना हो, यानी डिटेक्शन नहीं करना हो। ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस फीचर है, ऑटो मैनुअल का फीचर है, सेमी वैल्यू का फीचर है, बैच का फीचर है। ठीक, तो अभी इन सारे फंक्शन को हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट काउंट करके देखते हैं। अभी मशीन में डिटेक्शन फीचर ऑन है और ऑटो मोड पे मशीन एक्टिवेट है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करके देखते हैं। तो नोट डालने का तरीका है, आप नोट उल्टे सीधे कैसे भी बंडल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट को आपको बराबर करने हैं और हल्का सा स्लाइड करके इंसर्ट कर देना ऊपर में। तो जितने भी नोट होंगे आपको काउंट होके आ जाएंगे। 100 पीसीस थे तो 100 पीसीस आ गए। अब देखते हैं फेक नोट डिटेक्शन कैसे करती है मशीन। तो उसके लिए मैंने एक फॉल्टी नोट ले लिया, स्पॉयल। ठीक, तो जो भी फॉल्टी या स्पॉयल नोट होगा, अगर आपके ये डिटेक्शन फीचर ऑन है तो काउंटिंग के दौरान जब भी वो आएगा आपका मशीन रुक जाएगी। साथ में अगर वो इस फीचर ऑन है तो बोल के बताएगी और आपका स्क्रीन का कलर बदल जाएगा रेड कलर में एंड मशीन रुक रुक के बीप देगी अलर्ट के लिए। तो चलिए हम इंसर्ट करते हैं। इसमें 100 नोट रियल हैं और 1 नोट आपका नकली है। देखिए नकली नोट आते ही मशीन ने बीप देना शुरू किया, स्क्रीन का कलर बदल के रेड हो गया, यहाँ अलार्म ब्लिंक कर रहा है, एरर कोड आ रहा है, मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। तो आपका होपर में जो लास्ट नोट होगा वो आपका नकली होगा, उसको निकाल लेंगे। आगे की काउंटिंग के लिए हम स्टार्ट दबाएंगे तो बची हुई काउंटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो 100 नोट रियल वाले। बहुत से बिल काउंटर होते हैं जो आपको नकली नोट को भी गिनती में लेते हैं, रोकते जरूर हैं लेकिन उनको भी लेते हैं। ये एडवांस मशीन है तो ये नकली नोट को गिनती में नहीं लेती। ठीक, और अब देख लेते हैं वॉइस के साथ कैसे डिटेक्शन करती है। तो वॉइस के लिए हम यहाँ वॉइस की दी गई है स्क्रीन मशीन के ऊपर पैनल में, तो हम वॉइस का बटन को बस प्रेस करेंगे, वॉइस ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों फीचर ऑन ऑफ के दिए होते हैं ताकि किसी किसी मशीन ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, साइलेंटली वर्क करना हो तो वॉइस को आप क्लोज कर दीजिए। तो अभी हम नकली नोट के साथ देखते हैं। ठीक, और ये आपका जैसे ही नकली नोट आएगा स्पीकिंग करके भी बताएगी, सस्पिशियस नोट है। ठीक, इसने बताया कि आपका सस्पिशियस नोट आया, तो बाकी फंक्शन वही है। ये आपका नकली नोट है, इसको निकाल लेते हैं और आपको लास्ट में टोटल भी बता देगी कितनी पीसेस। ठीक, तो अभी हम वॉइस को ऑफ कर देते हैं ताकि मेरी आवाज़ के साथ आपको डिस्टर्बन ना हो। वॉइस क्लोज हो गई, वॉइस बटन पे दोबारा प्रेस करने पे। अब आ जाते हैं CNT मोड देखते हैं, जिसमें आपको डिटेक्शन नहीं करना है, नकली नोट को भी गिनती में लेना है। क्योंकि कई बार होता है 10 के 20 के पुराने नोट हो जाते हैं जिनके सिक्योरिटी फीचर मिट जाते हैं, तो बार बार मशीन उनको रोकती है। तो आपको जब सिर्फ काउंटिंग से मतलब हो तो आप ये डिटेक्शन फीचर बंद भी कर सकते हैं। ये जो डिटेक्शन के सेंसर दे रखे हैं, बटन दे रखे हैं ऊपर आपको पैनल में, मैंने MG से MG बंद कर दिया, UV से UV, MT से MT। तो आपका मशीन यहाँ ऑटोमेटिक CNT मोड पे आ गई। तो अब क्या है, आपने नोट इंसर्ट करने, अब ये नकली नोट है 101, ये पहले की प्रीवियस काउंटिंग है। ठीक है, चाहे तो इसको क्लियर कर सकते हैं, हमने क्लियर कर दिया स्टार्ट प्लस क्लियर से। आप जब भी जो भी नकली नोट होगा उसको भी गिनती में ले लेगी, कोई भी फॉल्टी स्पॉयल नोट हो, हर तरीके की नोट ये काउंटिंग में ले लेगी। 101 पीस इसने पूरा काउंट कर लिया। ठीक, दोबारा हम काउंटिंग करते हैं, अभी भी नहीं रुकेगी। और यदि आपको नोट छाटना है, नकली नोट या फटा नोट, स्पॉयल नोट जो भी है सब निकालना है, तो आपके सारे सेंसर ऑन कर दीजिए। इस बार देखिए मशीन डिटेक्ट कर लेगी और फिर अब असली वाले नोट को पास करेगी। ठीक है, तो आपका जैसे ही 100 का आया, नकली नोट आया, इसको रोक दिया। आगे की काउंटिंग के लिए हम स्टार्ट चेक करते हैं, हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। अब आ जाते हैं अदर फीचर देखते हैं। अभी इसको क्लियर कर लेते हैं जो भी हमने किया अभी तक।
ऐड में आते हैं। ऐड में क्या है, आपका लगातार जितनी बार हम भी काउंटिंग करते हैं, नोट डालते जाते हैं, तो सम करता जाता है। तो सिंपली ऐड प्रेस कर देना है तो ऐड यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए मैं फर्स्ट टाइम 100 नोट डालता हूँ तो 100 नोट काउंट होगा। अभी मेरे पास अदर नोट नहीं है तो मैं इन्हीं नोटों को उठा के डाल देता हूँ दोबारा से। यहाँ सम करके आपका 200 नोट आ जाएगा, 200 पीसीस आ जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, सम करके 300 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसमें ऐड का यूज कर सकते हैं। अब आगे फ्यूचर देखने के लिए हम ऐड को करते हैं क्लोज। वॉइस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ऑटो मैनुअल पे आते हैं। ऑटो मैनुअल में क्या होता है, अभी मशीन आपने नोट इंसर्ट करके आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये इसको ऑटोमेटिक मोड बोलते हैं। मैनुअल क्या है, पहली बार आप मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको मैनुअल नोट रखने में परेशानी हो रही है, गलत नोट तरीके से डाल दे रहे हैं, टेढ़े हो जा रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे हो जा रहे हैं, तो आप सीधे मैनुअल प्रेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैनुअल एक्टिवेट हो जाएगा, आराम से नोट रख लीजिए। इस बार देखेंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्यों, मैनुअल मोड एक्टिवेट है। जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तब जाके आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो मैं स्टार्ट प्रेस करता हूँ, ठीक। जब आपको नोट रखने का तरीका आ जाए प्रॉपर, तब आप मैनुअल ऑटोमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। नोट रखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑटो में आ जाता हूँ, ठीक है, ऑटो मोड में आ गया। ठीक, यहाँ आपने नोट को हमेशा बराबर कर लेने दोनों हाथों से, ठीक है, बराबर करके जब डाल इंसर्ट करें तो हल्का सा आगे स्लाइड कर दीजिए, तो आपको कभी भी नोट डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम ऑटो मोड में हैं, आगे चलते हैं। सेमी वैल्यू का फीचर, वैल्यू फीचर या सेमी वैल्यू का मीन्स, कुछ लेटेस्ट मशीनें होती हैं जिसमें आप 10 से लेकर 2000 तक के सभी में नोट डाल दीजिए तो टोटल वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाती है। ठीक है, साथ में कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में वो भी बता देता है। ये आपका सेमी वैल्यू काउंटर है। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको आपको पहले से वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो भी नोट होंगे आपके। जैसे मेरे किसी ने एक गड्डी दी, कितने नोट हैं कितनी वैल्यू नहीं पता, तो मैं वैल्यू चूज करूँगा तो नोट की वैल्यू देखूँगा, इन सभी नोटों की वैल्यू से एक समान है, 20 है, तो मैं प्लस माइनस से वैल्यू दबाने के बाद यहाँ से वैल्यू चूज कर लूँगा 20 की। तो 20 की वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली और नोट इंसर्ट कर, ठीक है, 38 पीसीस थे तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, यानी मतलब जब भी कोई जैसे आपको नोट देता है कि भैया ले इतने नोट हैं, तो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा सारे नोट डाल देता हूँ एक साथ, 2000 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 100 पीसीस हैं, तो टोटल वैल्यू 20 के हिसाब से 2000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैच। ठीक है, वैल्यू को हम करते हैं क्लोज। आपका 500 का नोट होगा तो 500 की वैल्यू जो भी नोट होगा उसके हिसाब से वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। बैच बनाने के लिए हम बैच प्रेस करेंगे, आप देखेंगे 100 का बैच आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 का बंडल या बैच बनता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रीसेट 100 का आता है। लेकिन अगर आपको 50 ही नोट छाटने या 50 का बंडल बनाना है, यहाँ आप 200 नोट इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर स्टेकर में 200 नोट की कैपेसिटी होती है, तो अगर 200 करते तो 100 का बंडल बना देते हैं। अभी मेरे पास 100 ही नोट हैं, मैं बैच बनाने के लिए मैं 50 का बैच चूज करता हूँ, तो उसके लिए 5 और 0 प्रेस कर दूंगा सीधे, तो 50 का बैच सेट हो गया। तो 100 नोट डालूंगा तो 50-50 करके दो बार में बैच बन जाएंगे। आप जो भी वैल्यू बनाना चाहें, 20, 30, 50, जितने भी नोट छाटना चाहें, 33, वो सिर्फ आप बटन दबा के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले नोट 50 का बैच आते ही मशीन रुक जाएगी। ठीक है, 50 काउंट करने के बाद मशीन रुक गई। अब इस नोट को हटाऊंगा तो अगले 50 काउंट करूंगा, तो ये हो गया मेरा बैच। तो इस तरीके से आपने सारा फंक्शन देख लिया 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसमें साथ में बता देता हूँ ऐड और वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं आप। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ सब कुछ। ठीक है, ऐड बटन से मैंने ऐड एक्टिवेट कर दिया और वैल्यू से हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे 20 की। ठीक है, आपका ऐड और वैल्यू दोनों चूज है। ठीक, ऐड और टोटल दोनों आ रहा है। अभी 100 नोट है, फर्स्ट टाइम काउंट करूँगा। नोट कैसे भी रख सकते हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम काउंट किया तो हमने 100 पीसी 2000 वैल्यू, क्योंकि वैल्यू एक्टिवेट है। अब दोबारा इंसर्ट करूँगा तो ऐड भी कर देगा, क्योंकि ऐड भी है। इस तरीके से जितनी बार भी इंसर्ट करूँगा तो ये कैलकुलेट करता जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मशीन को खरीदने के लिए आप सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट AKS ऑटोमेशन पे भी जा सकते हैं और हम दिल्ली NCR में तुम्हारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी डायरेक्टली कॉल पे या व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं और मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं AKS ऑटोमेशन से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो से। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद।